हाय, मैं हूँ डॉक्टर नीरज एंड शी इज रेनू एंड ही इज दक्ष एंड तनिष्क। आज हम लोग जा रहे हैं अपने महीने के ग्रोसरीज लेने, तो दिखाते हैं आपको कैसा रहता है वहाँ पे। और उस जगह का नाम है मॉरिसन, लेट्स सी। एक बार बोल देना, बोलो। तो गाइस, तो जैसे कि देख सकते हैं हम अभी आए हैं मॉल से और अभी हम सामान खरीदने चालू कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स का सेक्शन है, इसमें ये आलू हैं। तो ये वाले जो हैं, जैसे वो छोटे आलू होते हैं अपने वहाँ पे, बेबी पोटैटोज लिखे हैं, ये 89 पी के हैं। और ये हैं थोड़े जो सो मतलब मीडियम वाले होते हैं, ये 75 पी के हैं। ये हैं 1.5 kg। तो आलू तो वैसे यहाँ पे ठीक ही होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। और ये है जो शकरकंदी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। तो ये स्वीट पोटैटो का 1 kg का पैकेट है, 49 की का। ये जैसे आपको अगर बड़ा लेना है तो इसमें काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कि इसमें 2.5 kg का ये एक पैकेट है, इतना बड़ा। और इनका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अपने वहाँ जैसे पहाड़ी आलू होते हैं, ये बहुत ही पतली सी होती है इनकी स्किन और काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो ऐसे अगर आप दो लेते हैं तो सिर्फ 2 पाउंड में होंगे, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा पड़ता है अगर ज़्यादा ये आलू यूज़ होते हैं आपके घर में तो। और ये भी एक टाइप के आलू आते हैं, यहाँ पर रेड पोटैटो कहते हैं जिन्हें। तो ये वाले, इनकी जो ये स्किन है बाहर की, ये थोड़ी रेड कलर की होती है, पतली। ये वैसे हमने कभी अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। और इसका भी रेट 2.5 kg का है, ये पैकेट 1.25 pi का है। और ये जैसे पालक होती है अपने वहाँ तो बंच मिलता है, तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग मतलब पत्ते सेपरेट करके, और ये 300 ग्राम का है पैकेट और ये 1.75 pi का है। तो जैसे कि ये जो है, यहाँ पे सैलड वगैरह लोग काफ़ी पसंद करते हैं मतलब, तो ये एक रेडीमेड टाइप का है, इसमें ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स होते हैं। और ये एक ड्रेसिंग आती है इसके साथ में, तो ये है 1.09 pi का। और ये एक पोर्शन लिखा है 80 ग्राम्स का है ये। तो ये थोड़ा जिनको पसंद है वो लोग खाते भी हैं। और टाइप का सैलड है, इसमें स्वीट एंड क्रंची है, मतलब स्वीट करने के लिए शायद ये स्वीट, हाँ स्वीट कॉर्न है इसके अंदर, क्यूकम्बर, रेड पेपर वगैरह है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। तो ये है 340 ग्राम्स का, 1.75 ग्राम सैलरी है। जैसे हम तो इतना यूज़ नहीं करते, जो लोग करते होंगे उन्हें यूज़ पता होगा इसका। 80 ग्राम्स का है ये, 49 की का है ये पूरा पैकेट। और ये ऐसे छोटे हैं इसमें। और ये तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं। ये हरी प्याज है, तो ये एक बंच जो है ये 55 पी का है। और इसी में ये से छोटी है तो फिर ये बड़ी वाली है जैसे, तो ये काफ़ी थोड़ी कॉस्टली है, 1 पाउंड की है सिर्फ 3 ये। और तो ये ऐसे खीरे हैं, तो ये ऑर्गेनिक खीरे हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 99 पी का है और ये एक पैकेट है, इसके अंदर 6 है बस। और ऐसे एक खीरा भी मिलता है अलग, तो ये 49 पी का है, हम यही लेते हैं हर बार, तो ये लूँगी मैं अभी। और मशरूम काफ़ी ठीक मिल जाते हैं मतलब यहाँ पे, ये 1 पाउंड का है, 300 ग्राम का है। और मशरूम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, काफ़ी वैरायटी की होती है मशरूम। तो ये वाला जो है, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो मोस्ट कॉमनली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं, तो ये बटन मशरूम है, 200 ग्राम का है ये, 1 पाउंड का। तो एक ही लेना है मशरूम की, तो जैसे काफ़ी वैरायटी होती है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़े टाइप के हैं, इसका यूज़ तो मुझे भी नहीं पता। तो ये जैसे कि ऑनियन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, रेड ऑनियन, ये 95 पी की है और ये 1 kg का पैकेट है। और ये एक दूसरे टाइप की भी ऑनियन होती है यहाँ पे, फोर का पैकेट, ये थोड़ी वाइट होती है अंदर से, 99 पी, इसमें बड़ा भी लिखा है, तो हम लोग ये वाली लेते हैं। ये बेबी कॉर्न का पैकेट है, ये है 125 ग्राम का, 1.25 का। ये थोड़ी ग्राम खाते हैं।
मिंत्रा पर आए हम देख रहे हैं तो ये तीन का पैक ऐसे मिलता है हर कलर की, मतलब एक ग्रीन, येलो और रेड होती है इसमें। ये है इधर देख रहे हैं आप 1.25 की है, और अलग से लेते हैं तो अलग अलग एक 59 की पड़ती है। तो अब आ चुके हैं हम मिल्क वाले सेक्शन में, तो इधर जैसे आप देख सकते हैं मतलब ऑब्वियसली हर जगह की तरह अलग अलग टाइप के दूध होते हैं, स्किम मिल्क होता है, होल मिल्क होता है। तो ये छोटा सा एक बड़ा क्यूट सा बॉटल लगा मुझे, ये 568 ml की है और 55 पी की है ये। और ये है जैसे कि स्किम्ड है तो फिर रेट यहाँ पे सेम ही होता है, चाहे आप होल मिल्क लें आप या फिर आप स्किम्ड मिल्क लें, तो आप यदि सेमी स्किम है ये। तो हम लोग इसमें मोस्टली यही वाला प्रेफर करते हैं जो कि 3.4 लीटर का होता है और 6 पाइंट्स का है, और ये होता है इधर आप देख सकते हैं 1.60 का है। तो जैसे जो हमारी फैमिली है उसके हिसाब से ये तो दो दिन चल जाता है आराम से, तो काफ़ी रीजनेबल लगता है ये। तो एक पैकेट इसका ले लिया है मैंने, और इधर भी जैसे आप अगर सेमी स्किम्ड भी लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये 2 पाइंट का है, 89 की का है। ये राइस का सेक्शन है पूरा, इसमें बासमती के अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं, 5 kg का 9 pound का है, ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। जो ये 4.50 का है 5 kg, ये ब्रोकन वाला है जो टुकड़ा चावल बोलते हैं। ये छोटे वाले कॉस्टली पड़ते हैं, बड़े वाले थोड़े ठीक पड़ जाते हैं। जैसे ये एवरीडे राइस है 4 kg का 5 pound का है ये, और ये है ये 10 kg का है 11 pounds का बासमती राइस है ये। और एक ये है थोड़ा लॉन्ग ग्रेन में दिख रहा है जो, ये 13 pounds का है 10 kg का। और उसके बाद ब्रांड से है 10 kg का। और ये आटा दिखा देते हैं आपको, हम भी यही वाला यूज़ करते हैं, ये इंडस ब्रांड का है, 5 kg का है और 5 pound का है ये। तो हम भी यही वाला यूज़ करते हैं, काफ़ी अलग एलिफेंट ब्रांड वगैरह भी आता है, यूज़ किया है पर ये वाला इतना खास नहीं था, अपने जैसा नहीं था ये, ठीक है। वन के जी का 2.15 का है, और ये छोले हैं 1 kg 2.15, ये खजूर है अंदर 4 pound। ये चीनी का है पैकेट, तो ये ग्रैनुलेटेड शुगर है 2 kg का है, और ये 1.30 का है। ये यहाँ पे ऐसे रेडीमेड केक मिलते हैं, तो ये है केक, अगर आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन केक है इसका नाम, 7 pound का है, और ये ऐसे काफ़ी बड़ा है। ये भी ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक है, ये है 12 pounds का। इसमें काफ़ी अलग अलग वैरायटी होती है यहाँ पे, तो ये पिंक रोज गार्डन है थीम, और ये 12 pound का। तो इधर ये पूरा फ्रोजन का सेक्शन है, थोड़ा रेडी टू कुक, मतलब बस आप वॉर्म कीजिए और खा लीजिए। देख सकते हैं जैसे बीन्स है, फ्रोजन है,
और ये 750 ग्राम्स का है और 590 का है ये, तो हम लोग हमेशा यही रहता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। कॉलीफ्लावर ब्रॉकली के अलग से अलग फ्लोरेट कट के कट करके रखे हुए होते हैं, ये 1 kg का है 99 का। और अलग से अगर आपको किसी अलग से कॉलीफ्लावर लेनी है तो ये भी है, और ये 1 kg का है 99 का। कौन का भी 1 kg का है 99 का। और ये है मटर है, तो ये काफ़ी बड़ा 1.5 kg का है 99 का। अपना इंडियन फ्रोज़न पराठे काफ़ी मिलते हैं मतलब यहाँ पे, और काफ़ी लेते भी हैं लोग जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं। तो इससे ऑनियन पराठा है, ये आप देख सकते हैं इधर 1.30 का है, इसके अंदर 5 पराठे हैं। और ये ऐसे चपाती है, ये मेथी की चपाती है, थेपला इसको कहते हैं। और ये भी 1.30 का है ये भी। और ये जो नॉर्मल अपनी होल व्हील चपाती होती है, ये भी 1.50 की है, 320 ग्राम्स की। इसके अंदर 8 चपाती है, इसके अंदर फ्रोज़न होती हैं सारी। इसी टाइप से काफ़ी अलग अलग पराठे की वैरायटीज हैं, अगर चिल्ली पराठा है और ओरिजिनल है। और हाँ, इंडियंस की सबसे फेवरेट चीज़ भिंडी ये यहाँ पे अगर हम होल भिंडी लेते हैं, मतलब नॉर्मल जो अपने यहाँ होती है तो थोड़ी महंगी होती है, ये अगर हम लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पर थोड़ी सस्ती मिल जाती है। हम लोगों को समोसे तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और याद भी बहुत आती है इंडिया की। तो समोसे हमने इस बार ट्राई किए थे बने, तो ये इसमें 8 समोसे होते हैं फ्रोजन, 460 ग्राम्स का है ये, और ये 1.75 का है। तो ठीक था, ये टेस्ट इसका अच्छा था। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, फिर माइक्रोवेव कर सकते हैं। इस टाइप से मीट के भी होते हैं, तो हम लोग तो वेजिटेरियन है तो वो नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, रेट आप देख सकते हैं इधर, ये नॉन वेज समोसा है 325 ग्राम 1.85 का। और राइस क्रीम्स की तो काफ़ी वैरायटी होती है यहाँ पे, काफ़ी ठीक ही होती है। जैसे कि आप देखो 1.8 है 2.30 में, काफ़ी अलग अलग है। जैसे पैशन फ्रूट है, कोकोनट सॉफ्ट है, और इसमें से लास्ट टाइम हमने ये सॉफ्ट स्कूप जो है 2 liters 1.35 ये हमने लास्ट टाइम ट्राई की थी। इसमें क्या होता है, 3 लेयर होती है मतलब अंदर, और 3 लेयर का ये 3 फ्लेवर्स होते हैं, रास्बेरी, चॉकलेट और वेनिला। तो 3 फ्लेवर की थी, इस बार नहीं ले लिया हमको। ये है मिंट चॉको चिप, ये भी 2 liters की है, और ये भी 1 pound 35 pence की है। और इधर जो है फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, ये फ्रोज़न में फ्रेश भी मिलते हैं, फ्रोज़न भी मिलते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पाइन एप्पल सैंड है, कोई भी 2 पैकेट्स लेंगे आप 2 pound के हैं, तो ये 450 ग्राम का एक पैकेट है। इसमें पाइन एप्पल है, मैंगो भी था, अभी ख़त्म हो रखा है। इसमें स्ट्रॉबेरी, बनाना, और ये स्मूदी मिक्स है मतलब ये डालिए, दूध ऐड करिए, शेक बन जाएगा। मैंगो भी था इसमें, अभी फ़िलहाल नहीं है। और ये चेरीज हैं, ऐसे कोई भी मिक्स आप कर सकते हैं, मतलब 2 pound का होगा। आप देख सकते हैं एनी 2 for 3 स्ट्रॉबेरीज भी हैं इसमें। ये वाली भी है, इसमें ये हनी कोम क्रंच, मतलब इसके अंदर क्रंच होगा ये। तो ये है
50 ml की है, 2.50 का पेन। जो अपने यहाँ कॉर्नेटो आते हैं उसके 4-4 के ये पैकेट है, मतलब तो ये वाला एक कोन का पैकेट है, इसमें 4 हैं और ये 2 आप कोई भी ले सकते हैं, 1.80। तो ये वाला चाहिए, ये चूज करिए अपने लिए। ये 300 ग्राम्स की है और इसके अंदर 4 कोन्स हैं, 1.50 की है, प्री फ्रोजन है। एक और लिए, ये ऐसे चिल आउट्स होते हैं, ये नॉर्मल वाले हैं, ये 1 पाउंड का है, इसमें 5 है। हेलो गाइस, सो हम घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी टाइम लगा उसकी शॉपिंग में। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, अगर हम मॉरिसंस जैसे हम गए थे, ये लोग हमें 10% डिस्काउंट देते हैं अगर आप NHS में जॉब करते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ नर्स है, सो भी हम NHS के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट मिलता है। और प्लीज़ अगर हमारे वीडियो अच्छे लगें और तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अभी आगे हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे IELTS में विदाउट एनी कोचिंग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या मेडिकल में अपना करियर कैसे बना सकते हैं UK आने का। तो इस तरह के टॉपिक्स पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।